मैं यहाँ पे करूँगी मेरा लेग वैक्सीन। तो हेयर ये इनफ ग्रोथ है वैक्सीन करने के लिए, क्योंकि 1.5 मंथ हो गया। तो मैं यहाँ पे वैक्सीन के लिए सबसे पहले मैंने अपना वैक्स को गर्म कर लिया है। मेरे पास हीटर है और उस पर ये कंटेनर है वैक्स का, तो मैंने उस पर डाला और वो इस तरीके से गर्म हो गया है। और उसके बाद जैसे आप देख रहे हो कि ये हेयर का जो डायरेक्शन होते हैं, जिस तरफ में होते हैं उस तरफ में ही वैक्स लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप सीधे वैक्स लगा लो और स्ट्रिप्स को इस तरह से नीचे रखो, ताकि हाफ हाफ का जगह होना चाहिए उसको पकड़ के खींचने के लिए। तो इस तरह से प्रेस करके, रब करके इस तरह से ऊपर की तरफ खींचने। तो आप देख रहे हो इस तरह से बाल निकला, एंड इट वॉज रियली पेनफुल है, बट क्लीन हो जाते हैं। हाइजीनिक रहना अच्छी बात है, अच्छे लगते हैं ड्रेस पहनना और ये सब होता है, तो फिर बिना वैक्सीन किए हुए तो पहन नहीं सकते, अच्छा नहीं दिखता है। सो इस तरह से मैंने अपना वैक्सीन किया, और यहाँ पे एक दो बाल छूट गए थे, वो मैं बाद में करती। मेरा एक्चुअली ज़्यादा हेयर ग्रोथ है नहीं, बट जितना है वो अच्छे नहीं दिखते, दिखते हैं, तो इसलिए मैं क्लीन कर लेती हूँ। और मुझे हाइजीनिक रहना पसंद है, क्योंकि मेरा जॉब भी ये है, काम है, तो खुद को पहले अच्छा रखना पड़ता है, तो फिर हम दूसरे को करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपना वैक्सीन किया, और सेम आपको जिस तरफ पे आपका हेयर डायरेक्शन है उसी तरफ पे आपको वैक्स लगाना है। ऐसे करने से क्या होता है, इन ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आपने देखा कि मैंने एक लेग का वैक्सीन मेरा हो चुका था, ये मेरा दूसरा लेग था, तो इसको मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना दूसरा लेग का भी वैक्सीन किया, और ये फीट का था, तो फीट पे भी आपको इस तरह से सीधे वैक्सीन लगाने, आराम से लगा के खींचने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि हाफ जगह होने चाहिए, जिसे आप पकड़ के स्ट्रिप को खींच सको। तो इस तरह से मैंने दोनों लेग का वैक्सीन कर लिया। वैक्सीन का होने के बाद मैं ऑयल लगाई। ऑयल लगाने से स्टिकी फील नहीं होता है, तो आप जब इसके बैक साइड का करोगे तो कंफर्टेबल होके करना, क्योंकि फिर स्टिकी होगा, फिर वो चिपकेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने पहले ऑयल लगा लिया, इस तरह से मैंने बैक का किया। अगर आपका कोई है हेल्प करने का तो आप उनसे कर सकते हो, या तो फिर इस तरीके से जस्ट थोड़ा पैर को आप टर्न कर लो, इस तरह से वैक्स लगा लो, फिर खींच लो, और जो थोड़े से उस साइड से रहते हैं आप इस तरह से कर सकते हो। सो इट्स वेरी इजी टू डू, एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई प्लीज़ ट्राई एंड डू कमेंट कि हाँ आप लोगों ने भी ट्राई किया। तो मैंने इस तरह से अपना हाफ लेग वैक्सीन कर लिया, और ये बहुत कन्वीनियंट होता है, इजी होता है, अगर आपको आते हैं करने तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना वैक्सीन ख़त्म किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।